दोस्तों बेस्ट फोन अंडर 10,000 कौन सा है? अगर आप देखेंगे आज की डेट में मार्केट बिल्कुल बदल चुकी है। हमें बजट में भी ऐसे फोन मिल रहे हैं जिनको आप ऑलराउंडर फोन भी बोल सकते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब से पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। अगर हमें बजट का फोन चाहिए, कुछ टाइम पहले क्या होता था, हमें बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। बट अब कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ टॉप क्लास का मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन से टॉप स्मार्टफोन्स हैं जहाँ पर आप बिना किसी डाउट के इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन ब्रांड के साथ जो कि है माइक्रोमैक्स। ये है माइक्रोमैक्स इन 2B। अगर आप 8-9 हज़ार की रेंज में फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में। इस फ़ोन की खास बात है आपको 8,500 में मिल जाएगी 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। नहीं तो आपको सेम प्राइस पे मतलब 9,000 में रियलमी का भी न्यू फ़ोन मिल रहा है, Realme 2 1Y। ये फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में। यहाँ पर आपको 9,000 में दी जा रही है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको माइक्रोमैक्स इन 2B रिकमेंड करूँगा। बिना किसी डाउट के आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी आप बोल सकते हैं एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट का। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फ़ोन में है UniSoC T610, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। रियलमी के न्यू फ़ोन में भी यही प्रोसेसर यूज़ किया गया है। आप इसको MediaTek Helio G70 से कंपेयर कर सकते हैं। आप इस फ़ोन में PUBG भी अच्छी खासी खेल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है इस बजट के हिसाब से। और यहाँ पर आपको मिल रहा है क्लीन इंटरफेस क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड, तो ब्लॉटवेयर का पंगा नहीं है और एड्स का पंगा नहीं है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस और भी यहाँ पर निखर के आती है इस फ़ोन की। इन एंड फील भी फ़ोन की काफ़ी सही है। मैट फिनिशिंग आपको मिलती है बैक साइड पे। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। कुल मिला के 8,500 में मुझे ये परफेक्ट पैकेज लगा। इसका प्राइस कभी तो 8 होता है, कभी 8,500 होता है, डिपेंड करता है जब आप ले रहे हैं फ़ोन उस टाइम पे क्या ऑफर चल रहे हैं। तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑफर्स का। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज टारगेट है 5,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स का। और मुझे बताना कमेंट्स में इनमें से आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है। चलिए आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा नेक्स्ट फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हो 10S। अगर आपको 10,000 की रेंज में फ़ोन चाहिए और आप चाहते हैं हाई रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये भी एक कंप्लीट पैकेज लगा मुझे प्राइस के हिसाब से। वैसे इसका प्राइस आपको 11,000 दिखेगा, बट ऑफर्स में ये भी आपको 10,000 के आसपास फ़ोन आराम से मिल जाता है। यहाँ भी है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और आपको मिलता है MediaTek Helio G85 90Hz का रिफ्रेश रेट 6000mAh बैटरी के साथ। तो ये काफ़ी सही पैकेज है हाई रिफ्रेश रेट के लिए। हाई रिफ्रेश रेट आपको एक और फ़ोन में मिल रहा है, वो भी आप फ़ोन देख सकते हैं, बट वहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस आपको इस लेवल की नहीं मिलेगी। ये फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गलेक्सी F12। इस फ़ोन में एक्जीनोस 850 प्रोसेसर जो कि बना हुआ है 8nm पे। हमें पहली बार इस बजट में 8nm वाला प्रोसेसर देखने को मिला था इस फ़ोन में। F12 और M12 ये दो स्मार्टफोन्स हैं, दोनों ही हमें सेम रेंज के फ़ोन मिल जाते हैं। वैसे इसका प्राइस है 11,000, ये भी आपको ऑफर्स में 9,000 से 10,000 में आराम से देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन की खास बात है इसका One UI, नोक सिक्योरिटी इस फ़ोन की शान है। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए इस प्राइस पे और आपका नॉर्मल यूज़ है, ज़्यादा हैवी यूज़ आपका नहीं है, तब यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इस फ़ोन से शिकायत नहीं होगी। और हाँ, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा। ये भी हमें सैमसंग की तरफ से पहली बार मिला था इस प्राइस पे। साथ में कैमरा भी फ़ोन का काफ़ी सही है प्राइस के हिसाब से। बैटरी यहाँ पर है 6000mAh की, और इसकी बैटरी लंबे टाइम तक आपके साथ निभाएगी, क्योंकि यहाँ पर है 8nm वाला प्रोसेसर जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। तो ऐसे में सिक्योर फ़ोन, बड़ी बैटरी और नॉर्मल यूज़ के लिए सैमसंग F12 काफ़ी सही फ़ोन है, या फिर M12। अगर आप फोन फिर से है माइक्रोमैक्स की तरफ से, इसको भी आप एक ऑलराउंडर फ़ोन बोल सकते हैं। ये फ़ोन है माइक्रोमैक्स इन 1। 10,000 में फ़ोन मिलता है, और ऑफर्स में यही फ़ोन आप 9,000 का भी बाय कर सकते हैं। अब चक्कर क्या है कि अभी मैंने आपको जितने भी फ़ोन बताए हैं सब में है HD+ डिस्प्ले, बट यहाँ पर आपको मिलता है Full HD+ डिस्प्ले। और डिस्प्ले इस फ़ोन का टॉप क्लास का है, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है प्राइस के हिसाब से। और आपको यहाँ पर मिलता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। गेमिंग आप यहाँ पर अच्छी खासी कर पाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी आपको मिल रहा है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस, कोई ब्लॉटवेयर का पंगा नहीं और कोई एड्स का पंगा नहीं है। कैरियर एग्रीगेशन भी आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। कुल मिला के अगर आपको कोई 10,000 का फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन इस टाइम पे ऑलराउंडर फ़ोन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और फ़ोन है जिसको आप पूरी तरह से 10,000 में ऑलराउंडर फ़ोन बोल सकते हैं, 10-11 हज़ार में, यह टेक्नो पोवा 2।
ये फोन आपको मिल रहा है फिलहाल 11,000 में, बट ये भी आप ऑफर्स में 10,000 का फोन आराम से बाय कर पाएंगे। इस फोन की खास बात है इसकी 7000 एमएच की बैटरी, साथ में 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। हमें पहली बार इस बैग में इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। प्रोसेसर यहाँ पर है मिरेटेक किलियो G85, तो परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई आपको शिकायत नहीं होगी इस फोन के साथ। इसके अलावा यहाँ पर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको दे रखा है, तो यहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा डिस्प्ले के साथ भी। साथ में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है फोन में, तो ये भी मैं कहूँगा एक ऑलराउंडर फोन है 10,000 की रेंज में। तो आज मैंने आपको टॉप 5 फोन बताए हैं जो कि आप ले सकते हैं अंडर 10,000। इनमें से 3 हैं ऑलराउंडर फोन, एक दो तो हैं 10-11,000 की रेंज के, टेक्नोपोवा 2 और मैक्रोमैक्सिन 1, और एक है मैक्रोमैक्सिन 2 भी 8,500 की रेंज का फोन। बाकी एक और फोन है जो कि आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा, यह है रेडमी 10 प्राइम। इसका भी आप वेट कर सकते हैं, यह आपको मिलेगा 10-11,000 के आसपास की रेंज में। यहाँ भी आपको फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये देखते हैं क्या मिल जाता है लॉन्च होते ही फोन, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी मुझे फिलहाल जो लीक्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये फोन भी ऐसा लग रहा है कि हम इसको भी बोल सकते हैं 10-11,000 की रेंज का ऑलराउंडर फोन। बाकी आप बताना मुझे कमेंट्स में, जो भी मैंने आपको फोन बताया है इनमें से आपका फेवरेट फोन कौन सा है अंडर 10,000 के लिए। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो लाइक और शेयर मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।